यादव ने आज राघोपुर विधानसभा से अपना पर्चा भर दिया है। इस दौरान रिटर्निंग अफसर के पास तेजस्वी यादव के साथ भोला यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव के समर्थकों ने उनका स्वागत बैंड बाजा के साथ किया। नॉमिनेशन के लिए निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव से आशीर्वाद भी लिया। राबड़ी देवी ने अपने बेटा तेजस्वी यादव को खूब प्यार और आशीर्वाद दिया। सुनिए उन्होंने क्या सब कहा। पिता का भी आशीर्वाद है, भाई बहन के सबका आशीर्वाद है, पार्टी के लोगों को आशीर्वाद है और पूरे बिहार के जनता का आशीर्वाद है। मैम ये बताइए लालू जी को कितना मिस कर रही हैं इस समय? बहुत मिस, बिहार के जनता मिस कर रही है, घर के परिवार तो मिस करवे करता है पर पूरा पार्टी, पूरा बिहार के जनता, भाई बहन जितना है, बेटा बेटी, बच्चा, तो सब याद कर रहा है। आप अपने हाथ में उनका फोटो लिए हुए? जी तस्वीर हम लोग रखते हैं, हर फोटो में देखिएगा तस्वीर। आप मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेगा, जरूर बनेगा। चलो बिहार के जनता का आशीर्वाद है तो क्यों नहीं बनेगा। आप लोग का ग्यारह बजे का टाइम है, चला आशीर्वाद देंगे अर्जुन को, दे दिया आशीर्वाद। इसके बाद तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश पर खूब बरसे। सबसे पहले हम इतना कहना चाहेंगे, आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है, पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा भाई माइक, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। अरे इधर आओ ना यार, फिर यार इधर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूँ कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा, सभी कांग्रेस हमाले के सीपीआई सीपीएम के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी हमारे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, कौन लोग उठा रहे हैं, हम डिप्टी सीएम जब बने तो किस सरकार में बने, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए। ठीक है, मान लो अगर मेरे काम को लेकर के बात करते हैं तो 18 महीने जो हम सरकार में रहे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3-3 डिपार्टमेंट हमने संभाला, तो बिहार का 200 करोड़ का सीआरएफ फंड को 1000 किया, एक भी दाग अगर कोई लगा दे उस कार्यकाल में तो बताएं कितने हज़ार किलोमीटर सड़कें जो हैं एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराएं, मेगा प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंडिंग के अंदर किया। अब बिहार सरकार का बजट का पैसा जो होता है अलॉट होता है डिपार्टमेंट को, पूरा प्रतिशत खर्च नहीं कर पाते, 10-15% मेरा डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिएगा तो 100% से भी ज़्यादा, बल्कि एक्स्ट्रा हम लोगों ने बजट का जो प्रावधान था उसे लेकर के हमने खर्च किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कमिटी बनाई, कैबिनेट लेकर के गए, ईओटी का फाइल, वेरिएशन का फाइल, एस्टिमेट का फाइल, तो हमने कमिटी बनाने का काम किया। तो ये जो लोग
करते रहते हैं इस तरह की बातें, हमको शोभा नहीं दे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन लें, वो भी नामांकन करें, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।